नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ पे आकर जो जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोचा बड़ा कोई संजीदा और बहुत ज़्यादा बहुत ही ग्रेव सा एटमॉस्फियर होगा, बट इट वाज सो नाइस टू सी द यंगस्टर्स सिंगिंग ओवर हियर। इट्स बहुत अच्छा लगा, बहुत एक वाइब्रेंट एटमॉस्फियर आप लोगों ने क्रिएट किया, तो उसके लिए सेफ इन इंडिया को बधाई। आप चित्रा जी मिली थी कुछ समय पहले और उन्होंने अपने इस अभियान के बारे में कुछ जानकारी दी थी मुझे, तो शुरू में थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने भी बताया अभी कि ट्रैक्शन मिलने में समय लगता है थोड़ा, तो ऐसा लगा कि हाँ एनजीओज बहुत हैं और बहुत लोग काम करते हैं इस अलग अलग विषय पर, पेड़ लगाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, ज़रूर हैं, बहुत जेन्युइनली भी करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जज्बे के साथ और इतनी कमिटमेंट के साथ, इतना समय अपना लगाकर अपने जीवन का जो पूरा का पूरा तजुर्बा और समय लगाना, ये बहुत छोटी बात नहीं है। और बिना किसी एक ऐसी भावना के जिससे कि आपको ऐसा कोई लगे कि मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाना है, तो ये जो ग्रुप आपस में मिला और उनकी जो आँखों में चमक है उसको देख करके लगा कि हाँ है कुछ, बहुत कोई बहुत अच्छी बात होने वाली है, तो ये बड़ी इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ये एक बहुत सीरियस मसला है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो हमारे उद्योग जगत में बहुत शुरू से प्रभावित करता आया है, और आज जैसे जैसे हम लोग आगे प्रगति कर रहे हैं तो ये लेबर फोर्स के लिए और भी ज़्यादा, दोनों के लिए, उद्योगपति के लिए भी और कामगार के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में जैसे कि हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसमें शायद ऊपरी तौर पर यह लगता हो कि एक विरोधाभास है जो उद्योगपति के नज़रिए में और जो कार्मिक है उसके नज़रिए में, लेकिन ऐसा है नहीं। और जैसा कि बताया कि छोटे, अगर हम छोटे गोल से देखें, अगर हम बहुत नज़दीक ऐसा देखें कि कल क्या होगा और कल मैं कितना मुनाफा कमा पाऊँगा, उसको देखने की बजाय यदि हम देखें कि हम आगे के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, अपने उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, और अगर इस उद्योग को पनपना है तो लेबर सेफ्टी के बिना बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है उसमें लेबर सेफ्टी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। लेबर सेफ्टी इज़ अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट आपकी, आप प्रोडक्शन से लेकर मोराल तक अगर जाते हैं या लेबर रिलेशंस तक जाते हैं, तो लेबर सेफ्टी बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो काम किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है, और इसका आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको जारी रखेंगे और अपनी जो आपका जज्बा है उसको जागृत रखेंगे और आगे आपको पूरा सपोर्ट मिले। सरकार इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, भागीदार है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज भी इन्वॉल्व हों। प्योरली यदि आप निजी तौर पे इसको करते हैं तो एक कमी, एक अधूरापन रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो कायदा कानून और लीगल फ्रेमवर्क है, उसका इम्प्लीमेंट करना जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा होता है। तो मेरा ये सुझाव है और आगे भी रहेगा कि बहुत नज़दीकी से सरकार के साथ भी इसमें कार्य करें, और उसमें जो भी सुविधा हो सकती है उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों का एक समन्वय बने और सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो लेबर हो, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सभी के साथ आपका एक कोऑर्डिनेशन बने। यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट से कोई आए हैं क्या? सो यही मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है लेबर डिपार्टमेंट,
industrial safety. We need to take them along and we need to see what challenges are there. ऐसे कौन से कठिनाइयाँ हैं जो जो वो सरकार की प्रक्रिया की वजह से सामने आती हैं, लेबर डिपार्टमेंट की वजह से, और क्या सहयोग हम दे सकते हैं, हम किस प्रकार से इस पूरे के पूरे सिस्टम को आसान बना सकते हैं। आप लोग जैसे बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो रेगुलर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसमें भी बहुत सारी कानूनी पहलू हैं, बहुत सारे जिनकी वजह से जो रेगुलेशन है वो अलग हो जाती है। इसी प्रकार से जो लेबर सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन की जो फ्रेमवर्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें कितना बदलाव लाने की आवश्यकता है। जो आज के दिन हमारे कानून हैं वो क्या ऐसे हो गए हैं कि उनको लागू करने में परेशानी आती है, या क्या वो ऐसे हो गए हैं जिन्हें बदलाव जिनके अंदर लाना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि उस पक्ष को भी ज़रूर देखा जाए। तो कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा एक यूनिवर्स है जिसके अंदर ये कार्य किया जा रहा है, और मैं तो समझता हूँ कि ये इतना बड़ा काम है कि इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि सब मिलकर के इसको करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे ज़रूर पहुँचेंगे, और अपना जो आपका ध्येय है, जो गोल है, उसको आप ज़रूर अचीव करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और किसी भी प्रकार की कहीं पर भी यदि मैं आपका थोड़ा भी सहयोग कर सकूं तो भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। नमस्कार।